रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी, फिर अल्लाह ने उस पर पहाड़ों को पैदा किया और पहाड़ों को हुक्म दिया कि वो ज़मीन को थामे रखे, चुनांचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और वो कहने लगे कि अल्लाह, आपकी मखलूकों में से क्या कोई चीज़ इन पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत है? अल्लाह ने फरमाया, लोहा, जो इससे भी ज़्यादा मजबूत है। फिर पूछा गया, क्या कोई चीज़ लोहे से भी ज़्यादा सख्त और मजबूत है? तब फरमाया, आग, जो लोहे को भी पिघाल देती है उससे भी ज़्यादा मजबूत है। तब फरिश्तों ने पूछा, या अल्लाह, कोई चीज़ जो आग से ज़्यादा मजबूत? अल्लाह ने फरमाया, पानी, जो उससे भी ज़्यादा मजबूत है उसको भी बुझा देता है। तब फरिश्तों ने पूछा, क्या कोई चीज़ जो पानी से ज़्यादा मजबूत है? अल्लाह ने फरमाया, हवा, उससे भी ज़्यादा मजबूत है। तब फरिश्तों ने पूछा, क्या कोई चीज़ हवा से ज़्यादा मजबूत है? अल्लाह सुबहानहु ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। अर्श का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद हैं, जिनमें से एक वो शख्स भी है जो खूब सदका देता है और उसे दिखाता नहीं बल्कि छुपा कर देता है।